किसी भी देश की सुरक्षा उस देश की सेना करती है। हर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेनाओं पर होती है। जहां पुलिस देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है, तो वहीं बाहरी सुरक्षा देश की आर्मी संभालती है। आज हम आपको कुछ ऐसे देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके पास अपनी कोई सेना नहीं है। आप भी ये बात सुनकर चौंक गए होंगे कि कैसे किसी देश के पास कोई सेना नहीं है। आपको लग रहा होगा कि जिन देशों के पास अपनी कोई सेना नहीं होती, उन देशों के बॉर्डर की सुरक्षा कौन करता है। अगर आप भी चौंक रहे होंगे तो हम आपको बता दें कि इन देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी सेना नहीं बल्कि दूसरे देश की पुलिस और सेना करती है। मोनाको एक ऐसा देश है जहां 17वीं शताब्दी से ही किसी तरह की कोई सेना नहीं है। हालांकि यहां छोटी छोटी फौज की टुकड़ियां हैं। सबसे खास बात है कि फ्रांस की सेना इस देश की सुरक्षा प्रदान करती है। यूरोप के सबसे बड़े द्वीप में आइसलैंड आता है। आइसलैंड खूबसूरती के मामले में बहुत अच्छा देश है। यहाँ पर वर्ष 1859 से ही कोई सेना नहीं है। ये देश नाटो का सदस्य है और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की है। मॉरिशस देश में वर्ष 1968 से ही किसी तरह की कोई सेना नहीं है। हालांकि यहाँ 10,000 पुलिसकर्मी हैं जो आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। उसके पास किसी तरह की कोई आर्मी नहीं है। कुछ सालों पहले तक यहाँ नोबल गार्ड हुआ करते थे, लेकिन वर्ष 1970 में इस संस्था को ध्वस्त कर दिया गया। इस देश की सुरक्षा इटली की सेना करती है। आई होप यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।